पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच पर एनडीए की पिच का वह रन हीटर है, जितने रन की जरूरत होगी वह उतने रन बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान रखता है। रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को देकर गए हैं, बहनों भाइयों मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है, बल्कि मैं चिराग पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच पर एनडीए की पिच का वह रन हीटर है, जितने रन की जरूरत होगी वह उतने रन बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान रखता है। जमुई की सार्वजनिक सभा को इसके पहले मैं संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मुझे यह भी याद आता है इसके पहले जब भी मैं जमुई आया हूं, बहनों भाइयों हमारे अभिन्न मित्र जिनके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता था, और मैं यह कहूं एनडीए में वह शामिल हुए थे जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमारे आग्रह पर ही एनडीए में जो शामिल हुए थे ऐसे स्वर्गीय रामविलास जी पासवान आज हमारे साथ मंच पर नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनकी कमी मुझे खटक रही है, खिलखिलाता हुआ चेहरा और जिस गर्मजोशी के साथ आकर वह लिपट जाते थे उससे जिस अपनेपन का एहसास होता था मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रकृति का शाश्वत नियम है दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती है, जो आया है सभी को जाना है। लेकिन रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को देकर गए हैं, बहनों भाइयों मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है, बल्कि मैं चिराग पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच पर एनडीए की पिच का वह रन हीटर है, जितने रन की जरूरत होगी वह उतने रन बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान रखता है। आज लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्षता चिराग पासवान कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं जो हमारे रामविलास जी पासवान का स्वप्न था उस स्वप्न को वह निश्चित रूप से साकार करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।